परमानेंट क्यों नहीं करते, जॉब जा रही है जब, अब मोदी जी कहाँ सो रहे हैं आप ये बताइए, जब तो हमें तुरंत 24 घंटे में कि जॉब ज्वाइन करनी है तुम्हें, अब कहाँ सो रहे हैं मोदी जी, अब हमें परमानेंट क्यों नहीं करते, अब हमें हमारी जॉब क्यों नहीं दिलवाते। हमें बताया गया था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 3 महीने पे ही हमें बता निकाल देना चाहिए था। 11 महीने हमारा वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करा, हम न्यू जॉब देखते न्यू। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं जंतर मंतर मौजूद हूं। यहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है ये उन्हीं से जानते हैं। अच्छा मैम, आपको सरकार तो बोल रही थी कि कोरोना वॉरियर्स हैं आप, आपको टैग भी दे दिया, जगह जगह आपके लिए बरसात भी की जा रही थी फूलों की, वॉरियर्स आपको, आपको सरकार कहाँ सो रही है जब हमारी जॉब जा रही है, आप कहाँ सो रही है वो सरकार, वो फूल कहाँ गए, पत्थर बन गए, अब तो कैंडल नहीं जल रही है। वजह क्या है, वजह क्या है, वजह यही है, वो बोल रहे हैं कोविड खत्म हो गया तो जॉब नहीं है बस। और जब आपको रखा गया था क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया गया था पहले? हमें बताया गया था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 3 महीने पे ही हमें बता निकाल देना चाहिए था। 11 महीने हमारा वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करा, हम न्यू जॉब देखते न्यू। अब ऑन द स्पॉट आप बोल रहे हो 31 मार्च को नहीं आना है तुम्हें, ये कोई बात थोड़ी होती है। हमने जान जोखिम में डाल के उस टाइम लोगों की जान बचाई है, अब सरकार देख भी वो चीज़ नहीं देख रही है अब हमारे इंसाफ के लिए। सरकार तो थाली ताली से ही जो है काम चलवा रही थी कोरोना में, जब चलवा रही थी ना, अभी थोड़ी ना, अब कोरोना खत्म तो कोरोना वायरस में जिन्होंने ड्यूटी करी है उनकी कोई वो नहीं है। कोरोना खत्म हुआ होता तो हमारे मुंह पर मास्क थोड़ी होते, हमें रोड पे ये सब पालन ना करना पड़ता कि मास्क लगा, सोशल डिस्टेंस में रहो, पालन, वरना 2000 रुपए चलना। सरकार की मंशा तो साफ है यही है ना कि कोरोना खत्म हो गया इसलिए हटाया जा रहा है। खत्म हुआ तो फिर पूरा बोले ना कि मास्क हटा दो, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दो, वो तो है अभी भी है, हम बिना मास्क के कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो तो है ना, यानी कि कोरोना तो खत्म नहीं हुआ ना, फिर हमारी जॉब क्यों ली जा रही है। पर मैडम सरकार को सुनने वाले भी तो आप ही लोग थे, अब क्या कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी कर सकते हैं, आप जनता हैं, आप अपने सवाल, हम सवाल कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए बोल सकते हैं, ही बोल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं हम, पूछ रहे हैं सरकार से ही पूछ रहे हैं कि जब आप फूल बरसा रहे थे आप यहाँ पे, आपका क्या धरना हुआ है यहाँ पे? सर जब मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए जरूर सुनेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, परमानेंट क्यों नहीं करते, जॉब जा रही है जब, अब मोदी जी कहाँ सो रहे हैं आप ये बताइए, जब तो हमें तुरंत 24 घंटे में कि जॉब ज्वाइन करनी है तुम्हें, अब कहाँ सो रहे हैं मोदी जी, अब हमें परमानेंट क्यों नहीं करते, अब हमें हमारी जॉब क्यों नहीं दिलवाते। हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहाँ है वो रोजगार, हमारे हॉस्पिटल में तो कहीं नहीं बरस रहा वो रोजगार, डॉक्टर्स वहाँ धरने पे बैठे हैं, सारा नर्सिंग स्टाफ धरने पे बैठे हैं, टेक्नीशियन धरने पे बैठे हैं, तो कहाँ है वो नौकरियाँ। अभी देश बचाने का काम चल रहा है, देश बचा लिया जाए फिर आपको नौकरी मिलेगी। देश बच रहा है सर, जब भी तो नौकरी से निकाल रहे हैं, अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएगा, न्यू लोग आएंगे, न्यू लोगों को हायर किया जाएगा, घूस खाई जाएगी। हमारा कहना ये, अगर आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे लाते हो तो आप हमें ही नौकरियां दो, ये नहीं कि आप न्यू वर्कर रखो। अच्छा काम तो कर रही है सरकार, अब नए लोग आएंगे, लोगों को जो है बड़ा मिल रहा है ना, लोग हमें ही रखो ना, आप न्यू क्यों ला रहे हो लोगों को, हमें ही रखो ना, जो हम हमारी नौकरियां छीन के आप दूसरे को लेंगे आप। सर देखते हैं सर, जब तक नहीं जीते तब तक लड़ेंगे। अभी अगला कदम क्या होगा आपका? अगला सर हम कदम देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या सुनती है, क्या करती है। अभी आपने कहीं पत्र वगैरह कहीं दिया है आपने? अपने हमारे लॉयर हायर किया है, हमने केस किया है। तो अभी ये नौबत आ गई है कि सरकार जो है इस तरीके से, जो डॉक्टर्स थे वॉरियर्स थे कोरोना में, वॉरियर्स आपको विजेता बोला जा रहा था, आपको जान बचाने वाला भगवान बोला जा रहा था, अब उन्हें जो है वकीलों की शरण में जाना पड़ रहा है। यही है, वकीलों की शरण में जा रहे हैं, अब है ही नहीं, अब वकीलों का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वकीलों का सहारा लेना पड़ रहा है। तब हम सरकार क्या वाकई बेदर्दी हो गई है? बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल नहीं देख रही है, ध्यान नहीं दे रही है, आंख बंद कर लिए, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्होंने छोटे बच्चों को छोड़ा, तो रोडों पे कोई नहीं होता था, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता, तब हमने पेशेंट संभाले, कोविड के पेशेंट संभाले, हमारे लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना उनको। अब 11 महीने बाद बोलते हैं कि आपको ड्यूटी पर नहीं आना है, 3 महीने बाद, जिसमें अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था तो 3 महीने में ही हमें हटा देना चाहिए था, 11 महीने क्यों बढ़ा है? फूलों की बरसा हुई थी, अब तो पत्थरों की हो रही है, अब कहाँ फूल बरस रहे हैं सर, जब फूल बरसे थे अब तो पत्थरों की हो रही है वहाँ पे, अब कुछ नहीं हो रहा, कैंडल जल रही थी, थालियां बज रही थी, दीवे जल रहे थे, अब क्या हो रहा है, अब कोई नहीं देखने आ रहा, जब हमें नौकरी से निकाला है, जब हमने लोगों की जान बचाई है उस टाइम पे, अपने जान खतरे में डाल के, अब क्यों नहीं देख रहे वो चीज, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर। क्या है आपसे कोई निजी दुश्मनी तो थोड़ी ना हो? निजी दुश्मनी नहीं है, वो बोल रहे हैं कोरोना खत्म तो ड्यूटी खत्म, अब वहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे भी न्यू स्टाफ हायर करेंगे, वर्कर चाहिए,
कॉन्ट्रैक्टर प्रथा खत्म की जाए, हमारा कहना यह है। एक एक लाख रुपए मांगते हैं नौकरी देने के। भ्रष्टाचार है क्या वहाँ पर? घूसखोरी चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर, खुलेआम चल रही है वहाँ पे। हर साल कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, हर साल पैसे खाते हैं, हर साल पैसे खाने होते हैं, हर साल न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू पैसे खाने। अभी 2000 वैकेंसी है तो 2000 लोगों से पैसे खाए जाएंगे, पुराने को बाहर कर देंगे नए लोगों से। जब ये हम ये चाहते हैं कि न्यू वैकेंसी है तो उसी जगह हमें क्यों नहीं रखा जा रहा? अभी जो है हमने नर्सिंग स्टाफ से बात की, उनका कहना है कि जिन्हें भगवान समझा जा रहा था, जिन्हें भगवान की तरफ पूजा जा रहा था, फूलों की बरसात की जा रही थी, अब उन्हीं को उन्हीं के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और वो कह रहे हैं कि उन्हें 3 महीने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और बिना बताए जो है उन्हें हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने घूसखोरी के भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि घूसखोरी हो रही है हॉस्पिटल्स में। और ये भी कह रहे हैं वो लोग कि लगातार जो है घूसखोरी करने के बाद पैसा खाकर सरकार जो है ऐसे लोगों को रख रही है जहां से पैसा मिल सके और हमें आगे जो है रोज़गार से बेरोज़गारी के मोड़ पर लाकर छोड़ दे रही है। तो इनकी मांग और डिमांड यही है। देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।